भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट के द्वारा आज मंगलवार को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ने पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक के चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार देश के वीर सैनिक सीमा पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि देश हित में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कार्य करे। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ ही यहाँ पुलिस लाइन स्थित स्मारक पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। 26 जुलाई 1999 को कारगिल में जो पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर ली थी हमारे एरिया में, उस घुसपैठ को दूर करते हुए उस दिन हमारी सेना ने विजयश्री प्राप्त की थी। उसी विजयश्री के उपलक्ष में हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हर साल हम यहाँ आके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम उन वीर शहीदों के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिन्होंने उस युद्ध में अपने प्राण गंवाए थे। उन्हीं का परिणाम है कि आज हम अमन चैन से सांस ले सकते हैं। सभी देशवासियों को भी हम यहाँ युवा मोर्चा की तरफ से इस कारगिल विजय दिवस की आज बधाई देना चाहते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।